मुख्यमंत्री मनोहर लाल करनाल का दौरा करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री करनाल नगर निगम के दो वार्डों में लोगों के साथ सीधा जनसंवाद करेंगे और इस कार्यक्रम को लेकर तमाम तैयारियां जो हैं वो जोरों शोरों से की जा रही हैं। मुख्यमंत्री कई बार इससे पहले भी ये कार्यक्रम रख चुके हैं जब वो लोगों के साथ सीधा जनसंवाद करते हैं और सरकार की योजनाओं का कितना लाभ उन तक पहुंचा है इस बारे में वो विस्तार से चर्चा करते हैं, शिकायतें भी सुनते हैं और अधिकारियों को निर्देश भी देते हैं। मुख्यमंत्री क्या कुछ तैयारियां इस कार्यक्रम को लेकर चल रही हैं इस समय करनाल के सेक्टर 13 में है हमारे साथ वार्ड पार्षद वीर कुमार विक्रम जी, उनसे जान लेते हैं। तो विक्रम जी क्या कुछ तैयारियां हैं मुख्यमंत्री के जनसंवाद कार्यक्रम? देखो माननीय मुख्यमंत्री जी, पिछले कई महीनों से हर जिले में जनसंवाद कार्यक्रम कर रहे हैं और करनाल क्योंकि उनकी अपनी कंस्टिट्यूएंसी है, करनाल से विधायक भी हैं, तो करनाल में वार्ड वाइज वो जनसभाएं कर रहे हैं और लोगों की समस्याएं सुन भी रहे हैं और उनका निदान भी कर रहे हैं। क्योंकि भाजपा सरकार में पिछले 10 साल में आपको पता है जिस हिसाब से विकास इतने बढ़िया हुए हैं और इतने अच्छे कार्य हुए हैं, तो उसी कड़ी में कल सुबह 9 बजे रविवार सुबह 9 बजे ये 13 एक्सटेंशन कम्युनिटी सेंटर में अपना वार्ड नंबर 10 है उसमें जनसंवाद का कार्यक्रम है। तो उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी आने वाले हैं जिसमें लोगों से रूबरू होंगे, लोगों के सुझाव, लोगों की समस्याएं भी सुनेंगे और जितना निदान मौके पर हो सकता है उसका निदान भी करेंगे। कितने लोगों के लिए व्यवस्था की जा रही है कि जो शामिल होंगे? अपने वार्ड से हैं लगभग 1000-1500 लोग यहाँ पहुँचेंगे तो उनकी सारी तैयारी चल रही है। तो वार्ड को लेकर क्या कुछ डिमांड आपने पूर्व में रखी थी, उनमें से कितनी पूरी हुई? देखो हमारा वार्ड ऑलरेडी पहले इसमें जो है हम विकास कार्य बहुत हुए हैं और कोई विकास कार्यों में कमी नहीं रही। जो भी हमने मुख्यमंत्री जी से मांगा है वो मिला है, चाहे वो ग्रीन बेल्ट का रेनोवेशन का काम हो, चाहे पार्कों में जिम लगाने का काम हो, नए पार्क बनाने का काम हो, सड़कें बनाने का काम हो और स्ट्रीट लाइट जो LED लाइट्स हैं वो लगाने का काम हो, लगभग सभी काम हुआ है। ड्रेनेज सिस्टम जो हमारे 13 सेक्टर में सबसे भारी समस्या पानी जल भराव की थी, जो पिछले 5 सालों के अथक प्रयास से नई पाइपलाइन डाल सारा ड्रेनेज वगैरह साफ कर अब इस बरसात में 1 इंच भी पानी नहीं खड़ा हुआ, तो अपनी तरफ से बहुत अच्छे तो कार्य हुए। कल क्या कुछ मांग रखे? कल जो लोग हैं लोग अगर कोई लोगों की कोई अगर समस्या होगी तो वो बताएंगे, नहीं तो लोग सुझाव बताएंगे। और ये एरिया है जो रिक्रिएशन सेंटर बना हुआ था इसको स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स बनाने के लिए डिमांड रखी है यहाँ के वेलफेयर एसोसिएशन ने कि इस एरिया को स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स बनाया जाए जिसमें बैडमिंटन कोर्ट हो जाए, लॉन टेनिस कोर्ट हो जाए, जॉगिंग ट्रैक हो जाए, एक एक अपना योगा शेड बन जाए और इस तरह की एक डिमांड अपने वार्ड के लिए। वार्ड में भी जनसंवाद है, वार्ड नंबर 19 में भी जनसंवाद है। अच्छा तो बिल्कुल देखिए करनाल नगर निगम के दो वार्डों में कल मुख्यमंत्री जनसंवाद करेंगे, वार्ड संख्या 10 और वार्ड संख्या 19 में मुख्यमंत्री का यह जनसंवाद कार्यक्रम रहेगा। हजारों लोगों से कल मुख्यमंत्री रूबरू होंगे और सरकार की योजनाओं को लेकर किस तरह से काम हुआ है, कितना फायदा लोगों को पहुंचा उसको लेकर चर्चा करेंगे। आप देख सकते हैं तस्वीरों में इस कार्यक्रम को लेकर जो है तैयारियाँ की जा रही हैं। ये करनाल के सेक्टर 13 में जहाँ पर जनसंवाद कार्यक्रम रखा है वहाँ की तस्वीरें हैं। हजारों लोगों के लिए इंतजाम यहाँ पर किया जा रहा है क्योंकि बड़ी संख्या में लोग यहां पर शामिल होंगे। इसके साथ साथ जो अधिकारी मौके पर मौजूद होते हैं उनको भी मुख्यमंत्री के द्वारा निर्देशित किया जाता है कि जो भी फीडबैक लोगों की तरफ से आता है, जो भी शिकायतें वो रखते हैं उनके समाधान के लिए वो मुख्यमंत्री निर्देश देते हैं। यहाँ के पार्षद ने बताया कि एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को लेकर डिमांड जो है कल रखी जाएगी, उसको लेकर जो यहाँ के जो स्थानीय निवासी उनकी तरफ से मांग रखी गई थी अब इसको मुख्यमंत्री के सामने रखा जाएगा और उनको उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जब भी आते हैं तो करनाल को कुछ ना कुछ सौगात जरूर देकर जाएंगे तो उनकी ये डिमांड भी पूरी होगी। करनाल से महेंद्र सिंह, इंडिया न्यूज़, हरियाणा।